चलते हैं हमारे हॉल की तरफ, क्योंकि मुझे आप लोग के साथ शेयर करने हैं इतने सारे कुर्ता सेट जो। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेशमी और मैं आज आप लोगों के लिए फिर से लेके आ गई हूँ मीशो शॉपिंग हॉल। मीशो से रिसेंटली परचेज करे हैं बहुत सारे कुर्ते, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पूरे के पूरे 12 कुर्ते, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और सारे के सारे इस फेस्टिव सीजन में पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आने वाले टाइम में नवरात्रि आ रही है, हमें ऑफिस जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, कभी कभार गेट टुगेदर में जाना होता है, उसके लिए हम सोचते हैं बस बहुत अच्छी अच्छी कुर्तीज होने चाहिए जिसे हम जीन्स के साथ स्टाइल कर सकें, अपने बॉटम्स के साथ स्टाइल कर सकें। तो ऐसे ही कुछ कुर्तीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सारी ही कुर्तीज आपको वैसे तो अंडर 350 रुपीज मिल जाएंगी, एक आधी होगी जो 500 टच किया होगा, ठीक है। तो मोस्टली आपको मिलने वाली है अंडर 350 रुपीज। सबकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी रिसीव हुई है तो आप लोग इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और सारी की सारी आपको कॉटन या रेयन फैब्रिक में मिलने वाली है। क्रेप फैब्रिक मैंने एक भी परचेज नहीं करी है, क्योंकि जब मैं खुद क्रेप फैब्रिक पहनना पसंद नहीं करती तो अपने ऑडियंस को कैसे सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप लोग क्रेप पहने। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में रिसीव होने वाली कुर्ता सेट है। इन सभी की परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी हिट कर लेना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हम चलते हैं हमारे हॉल की तरफ, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने हैं इतने सारे कुर्ता सेट जो कि एक से बढ़कर एक है। बहुत लंबा सा हॉल होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस वाले कुर्ता सेट की, जो कि आपको येलो कलर में मिलने वाला है। बहुत ही प्यारा से कुर्ता मिलने वाला है। एक बार मैं इसको परचेज कर चुकी हूँ और वो मेरा रीसेल हो गया, तो मैंने इसे पर्सनली अपने लिए ऑर्डर किया है। बहुत ही बढ़िया सा कुर्ता सेट मिलने वाला है। ये आपको प्योर कॉटन फैब्रिक में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, नेक दोनों साइड से ही राउंड मिल जाएगी। योक पार्ट में बहुत ही बढ़िया सा जरी का फॉल्स मिरर का एंड सिक्वेंस का काम किया गया है। काम बहुत फिनिशिंग के साथ किया गया है। जब आप इसे व्हाइट बॉटम के साथ या फिर जीन्स साथ स्टाइल करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगने वाला है। तो इसे आप ट्राई करके जरूर देख सकते हैं। स्लीव्स देख लीजिए, स्लीव्स इसके आपको पूरी 3/4 मिल जाएंगे एंड स्लीव्स में आपको वही अगेन जरियन सीक्वेंस का काम मिल जाएगा। इसको मैंने वियर करके एक हॉल बनाया हुआ था भाई, उसमें बहुत सारे लोगों का कॉमेंट था कि भाई ये कुर्ता आपने कहां से परचेज किया। तो ये मीशो का कुर्ता है जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ये आपको पूरा काफ लेंथ तक आने वाला कुर्ता है, पहनने बेहद ज्यादा कंफर्टेबल है। आपको पूरा काफ लेंथ तक आने वाला कुर्ता है और आपको यहाँ पे साइड स्लिट्स में देख लीजिए, साइड स्लिट्स में भी आपको वही जरियन सीक्वेंस का काम मिल जाएगा और यही काम आपको पूरा नीचे कुर्ते में भी मिलने वाला है। बहुत ही बढ़िया सा कुर्ता है, तो आप इसको ट्राई करके जरूर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पीस पे। 10/10 वाला पीस है भाई, बिन सोचे समझे परचेज कर लो। और मैंने जो वेयर किया हुआ है भाई, बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आने वाला है कि आपने कहाँ से परचेज किया है। मैंने इसे अमेजोन से परचेज किया हुआ है, एशियन ब्रांड का है। बहुत ही बढ़िया सा कुर्ता सेट है, फेस्टिव सीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कुर्ते की तरफ, जो कि बहुत ही बढ़िया सा आपको अगेन मिलने वाला है। आपको कॉटन फैब्रिक का ही मिल जाएगा। हम इसके सबसे पहले नेक की बात कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक इसका भी आपको कॉटन फैब्रिक मिल जाने वाला है। नेक दोनों साइड से ही राउंड मिल जाएगी। नेक पे आपको योक पार्ट में जरियन सीक्वेंस का बहुत प्यारा सा काम मिल रहा है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये काम किया गया है, तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सिमिलर है, बट इसमें डिफरेंस इतना सा है कि इसका फैब्रिक हल्का सा कॉटन सॉफ्ट वाला कॉटन है एंड उसका हल्का सा हार्ड वाला खादी कॉटन था, ठीक है। साथ ही साथ पूरे ही कुर्ते में आपको बहुत ही प्यारा सा प्रिंट मिल रहा है, डॉटेड प्रिंट मिल रहा है कुछ इस तरीके का। सिर्फ इसकी आपको 3/4 मिल जाने वाली है। पहनने में बेहद ज्यादा कंफर्टेबल है, तो आप इसे व्हाइट पैंट के साथ कैरी कर सकते हैं। मोस्टली सारे ही कुर्ते व्हाइट पैंट के साथ ही आपके आराम से चले जाएंगे। अगर आप इसे डेनिम के साथ कैरी करना चाहें तो आप इसे डेनिम के साथ भी कैरी कर सकते हैं। हम इसकी लेंथ की बात कर ली जाए तो ये आपको पूरा नी से नीचे तक आने वाला, इट मीन्स ये आपको काफ लेंथ तक आ जाएगा। बैक साइड से भी आपको सेम प्रिंट मिल जाएगा कुछ इस तरीके का ही। ये भी बहुत बढ़िया सा पीस है, 10/10 वाला पीस है, तो इसे भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पीस की तरफ, जो कि मेरे कार्ड में बहुत टाइम से ऐड था। ये भी आपको येलो कलर का ही मिलने वाला है। बहुत ही बढ़िया सा पीस है भाई, इसे आप परचेज कर लो, आपके ऑफिस कॉलेज डेली वेयर के लिए बिल्कुल परफेक्ट पीस है, तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। नेक इसकी आप देख लीजिए, आपको स्टैंड नेक में मिलने वाला है। साथ ही साथ फ्रंट में आपको बटन्स की डिटेलिंग मिल जाएगी। जो बटन्स है वो ओपनेबल नहीं है, सिर्फ शो के लिए बटन्स लगाए गए हैं। सिर्फ इसके आपको पूरी 3/4 मिल जाने वाली है। पूरे ही कुर्ते में आपको कुछ इस तरीके का प्रिंट मिल जाएगा। जो प्रिंट मिलने वाला है वो आपको रबर प्रिंट मिलने वाला है। बहुत ही बढ़िया सा प्रिंट मिलने वाला है पूरे ही कुर्ते में। ये आपको काफ लेंथ तक आ जाने वाला कुर्ता है। बैक साइड से आप देख सकते हैं, बैक साइड से भी सेम प्रिंट रखा गया है, तो इसे भी आप ट्राई करके देख सकते हो। ये भी बहुत बढ़िया से पीसेस हैं, तो इन सभी को आप ट्राई कर लो यार। इनमें से जो भी पसंद है परचेज कर लो, अंडर बजट वाली चीज है, आप किसी फेस्टिव में भी इसे पहन सकते हैं। साथ ही साथ डेली वेयर ऑफिस वेयर के लिए बिल्कुल परफेक्ट पीसेस है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पिंक कलर के कुर्ते पे, जो कि बहुत ही बढ़िया सा रिसीव हुआ है। बांधनी प्रिंट इस टाइम बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और मुझे ये कुर्ता बहुत प्यारा सा लगा, तो मैंने इसे जल्दी से परचेज कर लिया।
इसकी नेक पे आपको स्टैंड नेक मिल जाएगी और यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारा सा जरियन सीक्वेंस का काम मिल जाएगा कुछ इस तरीके का। इसका जो वी नेक है वो बहुत ही लंबा किया गया है, डीप ज्यादा नहीं जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी डीप जाए तो यहाँ पे आप पिनअप कर सकते हैं, पर डीप बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उसको पर्सनली पहन के देखा हुआ है, ट्राई ऑन आपको क्लियर हो जाएगा भाई बिल्कुल भी डीप नहीं है, तो आप उसको ट्राई करके देख लीजिए। स्लीव्स इसकी आपको पूरी 3/4 मिल जाएंगी, पूरे में आपको कुछ इस तरीके का बांधनी प्रिंट मिलने वाला है। ये भी पूरा काफ लेंथ तक आने वाला कुर्ता है। प्रिंट आप देख लीजिए, प्रिंट बहुत ही बढ़िया सा है और मैंने इसका गलती से एम साइज परचेज कर लिया तो मुझे लिटिल बिट टाइट है, तो आप लोगों को ट्रायंगल समझ में आ जाएगी। सीरियसली मुझे ये बहुत ज्यादा टाइट लग रहा है। बैक साइड से आप देख सकते हैं, बैक साइड से भी आपको सेम प्रिंट मिल जाएगा, वही बांधनी प्रिंट। बहुत ही बढ़िया सा कुर्ता है, अंडर 300 रुपीज़ है, उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट, तो इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पीस की तरफ, जो कि आपको बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर का कुर्ता सेट मिलने वाला है और इसमें मैंने डबल एक्सल साइज परचेज कर लिया। पता नहीं साइज मैं अपनी तरफ से गलत सेलेक्ट कर लेती हूँ कि सेलर से मुझे कभी कभी गलत साइज भेज देते हैं। ये कुर्ता भी बहुत ही बढ़िया है, तो इसे भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। नेक इसके दोनों साइड से ही राउंड मिल जाएगी आपको और योक पार्ट में यहाँ पे आपको लेस की डिटेलिंग मिल रही है। जो लेस है वो क्रोशी वाली लेस लगा के दी गई है कुछ इस तरीके की। पूरे कुर्ते में आप प्रिंट देख सकते हैं कितना बढ़िया प्रिंट किया गया, व्हाइट येल्लो एंड नेवी ब्लू कलर से प्रिंट किया गया है। स्लीव्स इसकी आपको मिल जाने वाली है पूरी 3/4, यहाँ पे भी वही आपको लेस लगी हुई मिल जाएगी कुछ क्रोशी वाली इस तरीके की। ये भी आपको पूरा काफ लेंथ तक आने वाला कुर्ता है। बैक साइड से आप देख सकते हैं, बैक साइड से भी सेम प्रिंट मिल रहा है। ये कुर्ता भी अच्छा है, रबर प्रिंट है इसमें, तो आप इसको बहुत सेफली वॉश करिएगा ताकि इसका रबर प्रिंट जल्दी से वॉश होने के बाद जाए नहीं, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कुर्ते पे, जो कि बहुत ही बढ़िया सा है। जो कलर मैंने पहना वो सिमिलर वैसे ही कुछ कलर का है, बहुत ही बढ़िया सा लगा मुझे ये वाला कुर्ता भी। आप देख सकते हैं नेक इसके दोनों साइड से ही राउंड मिल जाएगी। योक पार्ट पे आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सी डिटेलिंग मिल रही है, देख लीजिए जरियन सीक्वेंस की डिटेलिंग है कुछ इस तरीके की। साइड में भी आपको यहाँ पे लेस लगा के दी गई है, ट्रायंगल शेप वाली लेस लगी हुई मिल जाएगी। स्लीव्स मिलने वाली है 3/4, यहाँ पे भी आपको लेस की डिटेलिंग मिल रही है, ट्रायंगल शेप वाली ही लेस की आपको यहाँ पे भी डिटेलिंग मिल जाने वाली है। ये भी आपको पूरा काफ लेंथ तक आने वाला कुर्ता है और नीचे साइड आप बीच बीच में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीच बीच में हल्का हल्का सा काम किया गया है, साथ ही साथ नीचे साइड भी कुछ इस तरीके का काम आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। तो ये कुर्ता भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। बैक साइड से आप देख सकते हैं, बैक साइड से रखा गया है पूरा प्लेन कुछ इस तरीके का। तो इस वाले कुर्ते को भी आप ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सा कुर्ता है और सारे ही कुर्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपको ट्राई करना चाहिए इन सभी कुर्तों को। नेक्स्ट पीस हम लोग देखते हैं ये वाला कुर्ता, जो कि बहुत ही बढ़िया है, प्योर कॉटन फैब्रिक में मिलने वाला है। ये भी आपको अंडर 300 रुपीज़ मिलेगा और इसे आप अपने डेनिम के साथ कैरी करिएगा, शायद मैंने इसे व्हाइट पैंट के साथ कैरी किया हुआ है। ये भी बहुत ही बढ़िया स्लीवलेस कुर्ता मिल जाने वाला है, नेक दोनों साइड से ही राउंड मिल जाएगी, फैब्रिक प्योर कॉटन है, वॉश करने के बाद इसका प्रिंट बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। ये स्लीवलेस मिलने वाला है, पूरे में आपको बहुत ही बढ़िया सा प्रिंट मिल जाएगा। ये भी आपको पूरा काफ लेंथ तक आने वाला है, बैक साइड से भी आपको सेम प्रिंट किया गया है कुछ इस तरीके का। तो इसे आप ट्राई करके जरूर देख लीजिएगा, कॉलेज ऑफिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप किसी फंक्शन में तो इसे नहीं पहन पाएंगे, पर हाँ ऑफिस कॉलेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट पीस है। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कुर्ते की तरफ। मैंने कुछ मंगवाया ऐसा था बट मुझे कुछ इस तरीके का रिसीव हुआ है, सिमिलर तो नहीं लग रहा है बट हाँ लिटिल बिट सिमिलर है। तो सबसे पहले हम इसकी नेक देख लेते हैं, तो नेक आप देख लीजिए कुछ स्टैंड नेक मिलेगी एंड फ्रंट से आपको मिलने वाली है वी नेक। पूरे ही कुर्ते में बहुत ही बढ़िया सा प्रिंट किया गया है, प्रिंट ऐसा है कि आफ्टर वॉश बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, तो बहुत ही बढ़िया सा प्रिंट किया गया। ये कुर्ता आप ट्राई करके देख सकते हैं, स्लीव्स इसकी आपको मिल जाने वाली है 3/4, बिल्कुल सिंपल सा कुर्ता है। यहाँ पे आपको बॉर्डर की डिटेलिंग मिल जाएगी, साथ ही साथ नेक पे भी आपको अच्छी खासी बॉर्डर की डिटेलिंग मिल रही है। ये भी काफ लेंथ तक आने वाला कुर्ता है, बैक साइड से भी आपको सेम प्रिंट मिल जाएगा, तो इसे भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। व्हाइट कलर का है तो इसके अंदर आपको न्यूड कलर का इनरवेयर पहनेंगे तो थोड़ा सा आप कंफर्टेबल रहेंगे इसे पहनने में। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कुर्ते की तरफ, जो कि आपको मिलने वाला है रेड कलर का, बहुत ही बस चिकनकारी कुर्ता है और ये आपको मिलने वाला है गोर्सी की ब्रांड का, जो कि बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है। पूरे ही कुर्ते में आप देख सकते हैं कितना प्यारा प्रिंट किया गया है, नेक इसकी बैक साइड से राउंड मिल रही है, फ्रंट से भी राउंड मिल रही है, यहाँ पे हल्का सा वी क्रिएट किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ये प्रिंट नहीं है, ये व्हाइट कलर के थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की गई चिकनकारी वर्क किया गया है पूरे ही योग पार्ट पे। साथ ही स्लीव्स इसकी आपको मिल जाने वाली है 3/4, यहाँ पे भी आपको वही सेम काम मिल जाएगा, चिकनकारी काम मिल जाने वाला है। अब हम इसके कुर्ते के नीचे साइड की बात करते हैं, तो नीचे साइड आपको हल्की हल्की सी बूटियाँ बना के दी गई हैं, पूरे थ्रेड से बहुत ही बढ़िया सी एम्ब्रॉयडरी की गई है कुछ इस तरीके की। बैक साइड की बात कर ली जाए तो बैक साइड पूरा प्लेन रखा गया है, बैक साइड आपको एम्ब्रॉयडरी नहीं मिलने वाली है, बैक साइड सिर्फ आपको प्रिंट मिलेगा कुछ इस तरीके का। तो ये पीस 10/10 वाला है भाई, इसे परचेज कर लो, पार्टीज वगैरह में इसे आप आराम से पहन के जा सकते हैं। इसे मैंने कैरी किया हुआ अपने व्हाइट प्लाजो के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
तो उसे भी आप ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पीस पे, जो कि आपको मिलने वाला है कुछ नियॉन ग्रीन कलर का कुर्ता। मैन कलर में पूरे ही कुर्ते में आपको व्हाइट कलर का रबर प्रिंट मिल जाने वाला है, बहुत ही बढ़िया सा कुर्ता है, फैब्रिक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्टैंड नेक मिल जाने वाली है और साइड में यहाँ पे आपको डिटेलिंग मिल जाने वाली है, पूरी ट्रायंगल शेप की लेस की बटन्स की डिटेलिंग मिल रही है। बटन्स ओपनेबल नहीं है, सिर्फ शो के लिए लगाए गए। सिर्फ इसकी आपको मिल जाएंगी पूरी 3/4 एंड सिर्फ में भी आपको सेम वही प्रिंट मिल जाएगा। और यहाँ पे साइड साइड में आप देख लीजिए ट्रायंगल शेप की लेस की डिटेलिंग मिल जाने वाली है, पूरे में आपको बहुत ही प्यारा सा प्रिंट मिल जाने वाला है। और इसकी लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, अगर आप मेरे बराबर हाइटेड है, 5'6" अगर आपकी हाइट है तो ये आपको नी लेंथ तक आ जाने वाला है, अदरवाइज आपको थोड़ा सा शॉर्ट होगा तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। बैक साइड से आप देख सकते हैं, बैक साइड से भी बहुत ही प्यारा सा वही सेम प्रिंट किया गया, बिल्कुल बारीक बारीक सा प्रिंट है पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कुर्ते पे, जो कि आपको मिल जाने वाला है ब्लैक कलर का। और ये मैंने विश्वती ब्रांड से परचेज किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया सा है। इसमें आपको बहुत सारा कलेक्शन मिल जाएगा, तो आप इनका वेट चेक कर सकते हैं। कुर्ता आप देख लीजिए कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, बैक साइड से नेक आपको राउंड मिलने वाली है, फ्रंट में वी नेकलाइन मिल जाएगी और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की लेस की डिटेलिंग मिलेगी। जो लेस है वो गोल्डन कलर की लेस है, जिसमें कि बहुत ही प्यारी सी फिनिशिंग के साथ इसको लगाया गया है। पूरे कुर्ते में बहुत ही प्यारा सा प्रिंट किया गया है कुछ इस तरीके का, सिर्फ इसकी आपको मिल जाने वाली है 3/4। यहाँ पे भी वही लेस लगाई गई है जो नेक पे लगाई गई है, ये भी आपको पूरा काफ लेंथ तक आने वाला है। बैक साइड से आप देख लीजिए, बैक साइड से भी प्रिंट बहुत ही बढ़िया सा मिलने वाला है। अगर आप चाहो तो इसे ब्लैक प्लाजो के साथ भी कैरी कर सकते हो, नहीं तो व्हाइट के साथ भी कैरी कर लीजिएगा, ये आराम से जाएगा, तो इसे भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पीस की तरफ, जो कि आपको मिलने वाला है रॉयल ब्लू कलर का, बहुत ही बढ़िया सा कुर्ता है भाई। मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा, कुछ इस तरीके कुर्ता आपको मिल जाने वाला है। ये आपको डोरीज मिल जाएंगी टाई अप करने के लिए, जैसे बेबीज छोटे छोटे बेबीज जो ड्रेसेस पहनते हैं ना उसमें नॉट बांधने के लिए ऑप्शन मिलता है, कुछ इस तरीके का टाइप करने के लिए डोरीज मिल जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टसल्स बना के दिए गए, जो फैब्रिक के ही टसल्स हैं, और यहाँ पे आपको लेस की डिटेलिंग भी मिलने वाली है। अब नेक की बात कर ली जाए तो नेक आप देख लीजिए, यहाँ पे क्रोशिया वाली लेस लगा दी गई है, पूरे ही कुर्ते में बहुत ही प्यारा सा प्रिंट मिल जाने वाला है कुछ इस तरीके का भाई। ड्रेस बहुत ही प्यारी सी है, व्हाइट पैंट के साथ आप इसे कैरी करिए, बहुत ही बढ़िया सा लगेगा अगर आप कुछ इस तरीके का पहनते हैं तो। नीचे साइड आप देख लीजिए, नीचे साइड में आपको क्रोशिया वाली लेस मिल जाएगी पूरे में, बहुत ही बढ़िया सा कुर्ता है, मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। बैक साइड से आपको पूरा प्लेन मिल जाएगा इस तरीके का, मतलब प्रिंट मिल रहा है आपको पर वो क्रोशिया वाली लेस नहीं मिल रही है। ये भी आपको काफ लेंथ तक आने वाला कुर्ता है, अगर आप ट्राई करना चाहो तो इन सब पीसेस को ट्राई करके देख सकते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कुर्ती पे चलने से पहले आप लोग बता देना चाहती हूँ, जिस टाइम मैं हॉल शूट कर रही थी उस टाइम मुझे मेरी कुछ कुर्तीज रिसीव नहीं हुई थी, जो कि है ये सारी 5 कुर्तीज हैं, 1, 2, 3 and 4, 5 को गिर गई है, ये पूरी 5 कुर्तीज हैं। इन पीस को मैं शेयर नहीं कर पाई थी आप लोगों के साथ, तो मैं करने से इतना वाली हूँ कि इनका ट्राई ऑन साथ ही साथ पहनने के बाद, वेयर करने के बाद इसका आपको रिव्यू दे दूंगी। अगर इनमें से आपको कुछ पसंद आए तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, इनकी भी परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सारी की सारी मीशो से ही है, काफी ज्यादा अच्छी है, अगर ट्राई करना चाहो तो ट्राई करते हैं। हम लोग चलते हैं हमारे हॉल की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट कुर्ता आपको ये मिल जाने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसमें आपने जीन्स के साथ कैरी किया हुआ है, नेक आप देख लीजिए, नेक आपको राउंड प्लस हल्की सी बोट नेक मिल जाएगी। यहाँ पे हल्का सा वी क्रिएट किया गया है कुछ इस तरीके का, प्रिंट काफी ज्यादा अच्छा सा है पूरे ही कुर्ते में। स्लीव्स आपको 2/4 मिल जाने वाली है, और कुछ इस तरीके की स्लीव्स आप देख लीजिए, हल्का सा ना यू क्रिएट करने की कोशिश की गई, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, काफी स्टाइलिश सा और यूनिक पीस है। यह पीस मिलने वाला जो कि प्योर कॉटन फैब्रिक का है, प्रिंट आप देख लो कुर्ते में, बहुत ही बढ़िया सा प्रिंट किया गया है भाई, मुझे तो ये प्रिंट काफी ज्यादा पसंद आया। और कुर्ता जिस प्राइस रेट में, उस प्राइस रेट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप इसे परचेज कर लीजिए, ऑफिस कॉलेज भी तो परफेक्ट है ही है, साथ ही साथ अगर आप डेली वेयर में इसे कुछ पहनना चाहें ऐसा कुछ तो ट्राई करके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कुर्ते पे, जो कि बहुत ही प्यारा सा है और आपको मिलने वाला है ग्रीन कलर का चिकनकारी कुर्ता, गोर्सी की ब्रांड से है, काफी ज्यादा अच्छा है। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट कुर्ते की तरफ। तो नेक्स्ट आपको ये मिलने वाला है ग्रीन कलर का चिकनकारी कुर्ता, गोर्सी की ब्रांड से, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली रेड कलर का दिखाया वो, और ये बिल्कुल सेम क्वालिटी के हैं, बहुत ज्यादा अच्छे। अगर आप चिकनकारी सर्च कर रहे हैं और बजट में चाहते हैं तो इन्हें परचेज कर लो। नेक पे आप एम्ब्रॉयडरी देख सकते हैं, कितनी प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी की गई है, और पूरा आपको बीच बीच में प्रिंट के साथ साथ इसमें भी एम्ब्रॉयडरी मिलने वाली है, काफी ज्यादा अच्छी सी भाई, काफी अच्छे से पीसेस है, सुपर दुपर सॉफ्ट है, तो आप इन्हें परचेज कर सकते हो। स्लीव्स पूरी 3/4 मिल जाने वाली है, स्लीव्स में काफी अच्छा सा प्रिंट मिल रहा है, बैक साइड से आप देख लो, बैक साइड से भी काफी अच्छा सा प्रिंट किया गया है, बहुत ही बढ़िया सा पीस है।
भाई अगर आप कुछ भी परचेज करने के मन से ये हॉल नहीं देख रहे हो तब भी ये वाले चिकनकारी सूट सेट परचेज कर लेना, ये वाले चिकनकारी सूट परचेज कर लेना जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा अच्छे। रेड वन और एक ग्रीन वन, इन दोनों में से कोई भी एक परचेज कर लो या फिर दोनों के दोनों परचेज कर लो, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। क्वालिटी आपको पूरी A1 मिलने वाली है और इतने ज्यादा सॉफ्ट है ना कि पूछो ही मत, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, वॉश करने के बाद ही और ज्यादा अच्छे लगने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाली कुर्ती पे, जो कि आपको अगेन चिकनकारी कुर्ती मिलेगी जो कि मैंने परचेज करी है मरून कलर की, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो चलो ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मरून चिकनकारी जो कि आपको बहुत ही प्यारा सा मिलने वाला है और इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, मैक्स टू मैक्स 10 कलर ऑप्शन तो मिल ही जाएंगे, बहुत ही बढ़िया सा। जिन चिकनकारी कुर्तीज में ना मिरर्स लगे हुए वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसमें मिरर्स नहीं है, काफी अच्छा थ्रेड वर्क किया गया है पूरी ही नेक पार्ट पे, सिर्स में भी काफी अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी की गई है, साथ ही साथ नीचे साइड भी काफी बढ़िया सी की गई हुई है। इसी के साथ साथ आपको इनर मिल जाएगा जो है कॉटन फैब्रिक का, इनर को थोड़ा सा आपको फिटेड करवाना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट इनर ये लोग बना के देते हैं, आपको थोड़ा सा उसको फिटेड करवाना पड़ेगा और जो इनर है आपको थाई लेंथ तक ही आने वाला है, ये चीज मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। तब अपना ब्लैक जीन्स पहन लेना या फिर ब्लैक लेगिंग पहन लेना क्योंकि व्हाइट के साथ थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मुझे, और आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, बैक साइड से आप देख लो एक पैच बना के इन्होंने दिया हुआ है ये इस जगह पे, कुर्ती काफी बढ़िया सी, बस इनर की कमी है तो आप इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा और ट्रायल में आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई कितनी ही सुंदर लग रही है, मुझे तो काफी ज्यादा बढ़िया लगी, आप लोगों को कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में बताना। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कुर्ती पे जो कि आपको मिलने वाली है नारकली कुर्ती, और ये आपको अंडर 500 रुपीज मिल जाएगी, पूरी ए लाइन कुर्ती है, फ्लोर तक आने वाली है, तो उसे हम लोग ट्राई करते हैं, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कुर्ती की तरफ। तो नेक्स्ट आपको ये अनारकली मिलने वाला है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है और ये आपको अंडर 500 रुपीज मिल जाएगा, पूरा फ्लोर लेंथ का गाउन मिल जाने वाला है, नेक राउंड मिल रही है, यहाँ पे आपको टसल्स मिल रहा है टाइप करने के लिए, अपना वेस्ट अपने अकॉर्डिंगली टाइप कर सकते हैं, स्लिप्स पूरी मिल जाने वाली है फुल स्लिप्स में, यहाँ पे आपको फ्रिल जैसा आपको कुछ यहाँ पे स्लिप्स मिल जाएंगी, प्रिंट आप देख लो पूरी ही कुर्ती में बहुत ही बड़ा सा सेम प्रिंट किया गया है, प्राण आपको क्लियर हो जाए कितना ही सुंदर सा प्रिंट किया गया है, बैक साइड से आप इसको देख लीजिए, बैक साइड से कुछ इस तरीके का ही आपको मिलने वाला है, फैब्रिक इसका मिल रहा है रेयॉन, पसंद आने पे आप लिंक चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट येलो कलर के सूट साइड पे जो कि काफी ज्यादा अच्छा सा मिलने वाला है आपको। चलिए तो ये रही है नेक्स्ट येलो कलर की कुर्ती जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, नेक पे आप देख लीजिए कुछ इस तरीके का आपको थ्रेड का काम मिल जाएगा पूरे ही नेक पे इधर पार्ट तक, साइड्स में आपको टसल्स मिल रहे हैं टाई अप करने के लिए, प्रिंट आप देख सकते हो कुर्ती में बहुत ही खूबसूरत सा प्रिंट किया गया है, स्लीव्स मिल जाने वाली है 3/4 ग्रीन कलर का प्रिंट मिल रहा है येलो कलर पे जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, कुर्ते की लेंथ अब आपको आने वाला पूरा काफ लेंथ तक, फैब्रिक इसका पूरा रेयॉन फैब्रिक, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है भाई, आप डेली वेयर में से पहन सकते हैं, साथ ही साथ ऑफिस और कॉलेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट पीस है, बैक साइड से आप देख लीजिए बैक साइड से भी आपको कुछ सेम यही प्रिंट मिल रहा है, पहनने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, तो ट्राई करके इसको जरूर देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा पीस है, एक बार वो ट्राई ऑन जरूर देखते जाइए कि कुर्तीज कितनी ज्यादा सुंदर है, कितनी प्यारी लग रही है पहनने के बाद, इन सबको मैंने व्हाइट के साथ स्टाइल किया हुआ है, साथ ही साथ दो कुर्तीज को जीन्स के साथ स्टाइल किया हुआ है, पैंट की और जीन्स की इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं इस हॉल के लास्ट पीस की तरफ जो कि आपको मिलने वाला है येलो कलर का, बहुत ही खूबसूरत सा पीस है, स्लीवलेस मिलेगा और बाकी डिटेल हम लोग उसकी तभी देख लेते हैं। नेक्स्ट कुर्ता ये आपको मिलने वाला है येलो कलर का, बहुत ही प्यारा सा कुर्ता है, फैब्रिक में सेल्फ में ही आप देख लीजिए, सेल्फ में ही थ्रेड का काम किया गया है, साथ ही साथ आपको फ्रंट में वी नेक मिल जाएगी और इसके स्लीव्स कुछ इस स्टाइल कुछ इस स्टाइल में आपको मिल जाने वाली है, ये आपको पूरा काफ लेंथ तक आने वाला कुर्ता है, मुझे तो भाई बहुत ज्यादा बढ़िया लगा, आप ऐसा कुछ स्टाइलिश पहनना पसंद करते हो तो आप ट्राई करके देख सकते हो, उसका बैक साइड आप देख लीजिए, बैक साइड आपको कुछ इस तरीके का मिल जाने वाला है, फैब्रिक पहने बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, इसमें आपको स्लीवलेस मिल जाएगा, 3/4 स्लीव्स मिल जाएगा, बहुत सारे बटन्स आपको मिल जाने वाला है, बट ये वाला कुर्ता अंडर 200-300 रुपीज के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो गाइस ये था मेरा आज का सारा कलेक्शन, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, बहुत पसंद ना आया हो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर लेना ताकि आप लोगों को मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो हम फिर मिलते हैं एक नए हॉल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।